तो फ्रेंड्स, अगर आपको है हेयर फॉल की प्रॉब्लम, अगर आपको है प्री मैच्योर ग्रेइंग, अगर आपको हो गया है डैंड्रफ, या फिर आपके स्कैल्प में रहता है ईचीनेस, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, लड़का है या लड़की है, ये सारी होम रेमेडीज जो हैं आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों पे आप इसको अप्लाई ना करें, आप इन रेमेडीज़ को 8 से 10 साल के ऊपर के बच्चों पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं, और ये जो होम रेमेडीज़ होती हैं ये इफ़ेक्टिवली वर्क करती हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा हेयर मास्क बताऊंगी जो आपकी बालों के झड़ने की समस्या को तो तुरंत ही ख़त्म कर देता है, साथ ही साथ कंसिस्टेंटली अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपके बालों में ग्रोथ होगी, हेयर रीग्रोथ होगी। बॉन्डनेस के पैचेस हैं, आगे आगे से बाल चले गए हैं। बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आते हैं कि हम हेयर डाई लगाते थे जिसकी वजह से हमारे जो बाल हैं आगे के उड़ गए हैं, झड़ गए हैं, तो क्या हम उसको रिटेन कर सकते हैं, दोबारा से ग्रो कर सकते हैं, या फिर जितने बच्चे हैं कम से कम उनको हम आगे रख सकते हैं कि झड़े ना वो बाल। तो ये सारी समस्याओं का जो ये हेयर पैक है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, 100% नेचुरल है। तो इस वीडियो में मैं आपको 100% नेचुरल एंड 200% इफेक्टिव आपको ये होम रेमेडी शेयर करूंगी। कंटिन्यूस यूज़ करेंगे इसको तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हेयर फॉल है अगर तो हफ्ते में 2 बार यूज़ करेंगे, तुरंत आपको इसका असर दिखेगा। साथ ही साथ आपको ये सिल्की स्मूथ बाल देगा, और प्री मैच्योर ग्रेइंग जिनको हो गई है, कम उम्र में जो सफ़ेद बाल हो जाते हैं उनको भी क्योर करता है, लेकिन टाइम लगता है, थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए, और इसको कंसिस्टेंटली आपको यूज करना है। सब्सक्राइब करिए बिंदु नेचुरल वर्ल्ड को, आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए घंटी को दबाइए, ये बिल्कुल फ्री है। आज की वीडियो में हम बनाएंगे मामा अर्थ अनियन हेयर मास्क। ये मामा अर्थ का अनियन हेयर मास्क है, ये रेडीमेड वाला है, और इसमें मैं आपको रेमेडी शेयर करूंगी जिसमें हम बनाएंगे मामा अर्थ का अनियन हेयर मास्क होममेड, जो कि होगा होममेड। और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं पहले हम उसको देख लेते हैं, उन्हीं इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके हम यहाँ पे इसका मास्क बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो पैराबिन सिलिकॉन फ्री है, नेचुरल प्रोडक्ट है, और जो हम बनाएंगे वो 100% नेचुरल है, आपके हाथ से बनाया गया है, तो वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव भी होगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और इस रेमेडी को ज़रूर यूज़ करिएगा। अगर आप इसको नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो आप इसको घर पर भी बना सकते हैं, और घर पर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। तो शुरू करेंगे हम, और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें यूज़ किया गया है, मेन जो इन्ग्रीडियंट है उसके बारे में मैं बोलूँगी। कोकोनट ऑयल यूज़ किया गया है, अनियन ऑयल यूज़ किया गया है, रोजमेरी ऑयल यूज़ किया गया है, सिडारवुड ऑयल यूज़ किया गया है, साथ ही साथ इसमें काफ़ी सारे लाइक एक्वा, एल्कोहल एंड ट्राइग्लिसराइड और ये सब डाला हुआ है। सो फ्रेंड्स, चलिए कोशिश करते हैं इसके जैसा, इससे अच्छा हेयर मास्क हम घर पे बना पाएँ। तो सबसे पहले हमें चाहिए अनियन। नाउ यहाँ पे इसमें अनियन यूज़ किया गया है, तो अनियन के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है ये अनियन, ये आधा मैंने अनियन लिया है और इसको छोटा छोटा काट लिया है। नाउ इसमें यूज़ किया गया अनियन ऑयल, तो हम यहाँ पे बनाएंगे अनियन ऑयल, और इसमें यूज़ किया था कोकोनट ऑयल। तो फ्रेंड्स, ये कोकोनट ऑयल मैंने लिया है, कोकोनट ऑयल मैंने आधी कटोरी से भी थोड़ा सा कम लिया है, और हम पहले बनाएंगे अनियन ऑयल। तो हमने यहाँ पे एक पैन लेना है, उसमें ये कोकोनट ऑयल डाल देना है, कोकोनट ऑयल को हमने करना है गरम, इसको हम करेंगे थोड़ा सा गरम, और फ्रेंड्स इसको गरम करेंगे और इसमें हम डालेंगे, थोड़ा सा गरम होने के बाद हम इसमें डालेंगे अनियन। सो फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे जो अनियन लिया है ये आप आधा मैंने लिया है, और इसको आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको छोटा छोटा काट भी सकते हैं। तो हमने यहाँ पे अच्छे से इसको गर्म कर लेना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको रखेंगे ताकि जो इसकी न्यूट्रिशनल पावर है वो कम ना हो, और इसको हल्का गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद हम इसमें ये अनियन ऐड कर देंगे, और इस अनियन को हमने चलाना है जब तक कि ये अच्छे से रोट नहीं हो जाता है। तो हमने यहाँ पे इसका ऑयल निकालना है, मीन्स हमने इसको इस तरह से चलाते रहना है, कम से कम 2 से 3 मिनट तक हमने इसको चलाना है, और उसके बाद हमारा अनियन ऑयल तैयार हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने इसको बिल्कुल जलाना है, बहुत ज़्यादा काला नहीं करना है,
लेकिन जो इसका मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए तब तक हमने इसको पकाना है। सो फ्रेंड्स, इस स्टेज पे हमने इसको बंद कर देना है। आप देख सकते हैं कि ये हो गया है और इसको हमने और ज़्यादा नहीं पकाना है और इसको हम छान लेंगे। आपने इसको छान लेना है एक बाउल में। और अब ये हमारे पास तैयार हो गया है अनियन ऑयल। ये हमारा है प्याज का तेल। नाउ इस प्याज के तेल से हम बनाएंगे अनियन हेयर मास्क। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि ये जो मास्क है, ये मास्क जो है क्रीमी है, क्रीमी कंसिस्टेंसी का है, वाइट कलर का है। और फ्रेंड्स, इसी तरह का हमने बनाना है। तो इसके लिए हमें यूज़ करना होगा दही। दही यूज़ करेंगे या कर्ड यूज़ करेंगे। और मामाअर्थ के बहुत सारे प्रोडक्ट्स में आप देख सकते हैं कि योगर्ट के एक्सट्रैक्ट्स रहते हैं। तो इस तरह से आपने लेना है दही। अपने बालों के लेंथ के हिसाब से आपने दही लेनी है। और उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे अनियन ऑयल। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अनियन ऑयल आप यहाँ पे एक चम्मच या दो चम्मच के अराउंड अनियन ऑयल डाल सकते हैं। और अनियन ऑयल के बाद यहाँ पे यूज़ किया गया है रोज़मेरी ऑयल। सो फ्रेंड्स, रोज़मेरी ऑयल की मैं यहाँ पे डालूंगी 10 बूंदें। और नाउ ये रोज़मेरी ऑयल हमने डाला है और उसमें था सीडारवुड ऑयल। सो फ्रेंड्स, सीडारवुड ऑयल मेरे पास अवेलेबल नहीं है। आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज हम एक और चीज़ डालेंगे जो कि है विनेगर। सो यहाँ पे मैं आधा ढक्कन की जितना विनेगर डालूंगी। और अगर आपके पास विनेगर नहीं हो तो आप इसमें डाल सकते हैं लेमन जूस। तो फ्रेंड्स, लेमन जूस जो है वो भी विनेगर, विटामिन सी जो होता है उसमें, उसी का काम करता है। तो इस तरह से आप इस मास्क को बना सकते हैं। ये जो हेयर मास्क है, दिस इज़ अनियन हेयर मास्क, DIY अनियन हेयर मास्क, जो कि आपके बालों की सारी समस्याओं को दूर करता है, आपके हेयर फॉल को कम करता है। साथ ही साथ इस मास्क को लगाने के लिए आपने धुले हुए बालों पे इसको लगाएं, अच्छे से लगाएं और उसके बाद आधे एक घंटे बाद शैम्पू कर लें। इस मास्क को आप वीक में दो बार भी लगा सकते हैं और ये ऑयल को आप स्टोर करके रख सकते हैं। साथ ही साथ ये आपने फ्रेश बनाना है, ये आप स्टोर करके रख सकते हैं। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि आपने अगर ये रेमेडी बनाई है तो ये और ये, और अगर बाई चांस ये भी यूज़ किया है तो कौन सी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और कौन सी आप यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। आगे आने वाले वीडियोस के लिए घंटी को ज़रूर दबाइएगा। आगे मिलते हैं अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।